गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी ठीक हैं और मेरी तबीयत ठीक हो रही है, बट आवाज़ से आपको अभी भी लग रही होगी कि तबीयत ख़राब है। तो रियली में तबीयत अभी ख़राब है, उतना अच्छे से मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं रोज़ाना की तरह घर के लिए निकल चुकी हूँ गाँव के लिए, और जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए रोज़ हम लोग मॉर्निंग में चले जाते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि घर में काम लगा हुआ है तो फिर देखभाल के लिए जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं आपको जंगल झाड़ दिखा रही थी और साथ में ये पहाड़ियाँ दिखा रही थी, और बादल देखिए आसमान में कितने छाए हुए हैं ना, बारिश का मौसम है। तो यहाँ पे देखिए मैं घर पहुँच गई थी, और आप जानते हैं मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पे ईयरली एक पूजा होती है, जो पूजा नज़दीक आ चुकी है। तो मैं घर गई थी तो साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि ना रूम बंद रहता तो कम गंदा होता, बट रूम ना मेरा खुला रहता है, इस वजह से ज़्यादा गंदगी हो जाता है। और हमारे यहाँ पे ना चूहे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं, क्योंकि मैं तो रहती नहीं हूँ। रूम हालाँकि खुला रहता है बट उसमें कोई रहता नहीं है, बंद रहता है, तो इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो जाला निकालने वाला मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो ये नारियल वाला झाड़ू होता है ना, उससे मैं यहाँ पे सारे जाले निकाल रही हूँ। और ये जो छज्जा वगैरह होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं ये सब निकालने के बाद आज मैं सारा जो डस्टिंग का काम है वो मैं कर लूँगी। बाकी काम मैं बाद में करूँगी, धीरे धीरे करूँगी, नहीं तो वरना मैं खुद बीमार हूँ और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने डिवाइड कर लिया है कि आज थोड़ा सा करेंगे, फिर कल थोड़ा सा, फिर ऐसे करके। और यहाँ पे देखिए मैंने छज्जे पे चढ़ा दिया था अपनी जेठानी की बेटी को, तो वो वहाँ पे कर ले रही है, क्योंकि मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैंने उसको चढ़ा दिया है और मैं साथ साथ में ही हूँ, साथ साथ में करवा ले रही हूँ। और यहाँ पे ना छज्जे पे ना चूहों ने काफ़ी ज़्यादा गंदा करके रखा था, तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें हटा करके मैं कर रही हूँ डस्टिंग का काम। और इसी तरीके से जो हमारी ईयरली की पूजा होती है उसकी साफ़ सफाई होती है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए मैं आई ना, तो जेठानी मेरी चाय लेके खड़ी थी, तो उसने देखा कि ओ बाबा क्या हो रहा है, वीडियो बन रहा है, तो मैंने बोला हाँ वीडियो बन रहा है, तो वो चाय रख दी और चली गई। ऐसे ना कैमरे पे आना कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए फिर वो चाय रख के और चली गई। और यहाँ पे देखिए ये मेरा आज डस्टिंग का काम है, और पूरे वीडियो में मेरा आप डस्टिंग का ही काम देखोगे, क्योंकि डस्टिंग का काम पहले हो जाएगा तब बाकी का जो आगे का प्रोसेस है वो हो पाएगा। तो आज का वीडियो मैंने इतना ही डाला था, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।